Now we have started walking for a trail to lower part of the Yosemite Falls, and this is the campground 4. Just opposite side we have parked our vehicle to campground 4, that is the parking for Yosemite, and up is the upper fall. Towards the right was the trail for the upper fall, and we have opted for the easier one, so we are going towards the lower fall trail. And here, if you can see, people are climbing this mountain. You can see that person in orange shirt, person is climbing this rock, this mountain. This is the first look of Yosemite Fall. Toffee, raspberry wali. Dikhao. Achhi hai. Red, red color ki. Wow. Kaun sa fall dekhne aayi ho? Main. Waterfall. Naam kya hai? Yosemite Waterfall. Yosemite Waterfall. Yeah. ये थ्री पार्ट्स में देखो, ये ऊपर दिख रहा है अपर पार्ट, फिर ये बीच में है मिडिल पार्ट, और नीचे जो दिख रहा है वाइट सा वो है लोअर पार्ट. तो तीन ट्रेल्स होते हैं, लोग उतना ऊपर तक भी चढ़ के जाते हैं, वो हार्ड होता है, और कुछ लोग बीच में जाते हैं. यहाँ पे एक मिस्ट फॉल भी है, जो उड़ रहा है पानी वो वहाँ पे मिस्ट बन के आता है, और अपन जा रहे हैं लोअर फॉल, क्योंकि अपने को स्ट्रॉलर भी लेके जाना है. लोअर फॉल बहुत इजी है, ये रोड बनी हुई है, इस पे जाके जाना है. मैजेस्टिक योसेमिटे फॉल, और ये इसका क्रिस्टल क्लियर वाटर, और ये ट्रेल्स हैं यहाँ पे, ये बड़े पाइन ट्रीज हैं, और इसके बाद में ये लोग घूम रहे हैं. ये पानी में पूरा रिफ्लेक्शन आ रहा है, और बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर है. अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बढ़िया ब्रिजेस बने हुए हैं, और सोहम जी और स्नेहम जी को मिल गई है एक स्टिक, जिससे वो लोग कर रहे हैं मस्ती. This is the upper fall. Now we are at a distant angle and then distant place, and that's where we can see the upper fall, and lower falls are still not visible because of the aerial in distance.
इस व्यू में क्लियरली दिख रहा है ये फॉल, जो सबसे क्लियर दिख रहा है लोअर फॉल, और उसके ऊपर है 1400 फीट का हायर फॉल, अपर फॉल, एंड बीच में मिडल एक क्रीक के फॉर्म में दिख रहा है, एक छोटा सा पार्ट हमें दिख पा रहा है, बट वो एक पे बड़े चट्टान के पीछे है। तो ये है मिडल फॉल, इंटरेस्टिंग एंड मेस्मराइजिंग नेचर सबसे बड़ा है। To our car site where we have parked the car. This is the camping area we can see. Last time we were also camping, but at this place, Yosemite, we are not camping over here. But you can see the campsite. Here also you can see the picnic bench, the fire burning area, the tents you can see. Plus one additional thing is these lockers over here. I have seen written over here that there are bears over here, and this is by federal law they have to keep their food safe over here, locked. So here they have kept a tent for the locker also. I guess they are keeping their food inside. And this is the site, and now we are heading towards our parking. We cannot park our car over this in this camping site, because here those who are camping can only park. So our car is kept on the other side of the road, so we'll be heading that side. तो हम यहाँ की सोविनियर शॉप और बेसिक नीड्स शॉप में आ चुके हैं। इसका नाम है द विलेज स्टोर, और योसेमिटी की ये स्टोर में यहाँ पे सबसे बाहर रखे फायरवुड्स। लोग यहाँ फायरवुड्स खरीदते हैं अपने कैंप के लिए, और बहुत ही चहल पहल है। हम यहाँ देखेंगे कि हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो हम देख लेंगे, अदरवाइज जस्ट मूव आउट। सब कुछ अवेलेबल है। लाइक एनी अदर स्टोर एवरीथिंग इज हियर। सो दिस इज जस्ट फॉर अ कंपैरिजन दैट दिस इज हमस पैकेट फॉर $4.19 एंड वी हैव बॉट इट फॉर $1.29 इन द टारगेट स्टोर। सो दैट इज द वे इट इज, बिकॉज इट इज सच अ रिमोट स्टोर। We are anyway moving forward, looking for what if we get something which we like. तो ये रेस्टोरेंट एरिया है, ये फुल्ली ऑक्यूपाइड है और काफ़ी रश है इस समय। और ये है वो विलेज स्टोर जिसमें हम अभी गए थे अंदर। ये सर एसोसिएटेड, उसके बाजू में एक ग्रिल और रेस्टोरेंट एरिया है। पेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। इंटरेस्टिंग चीज़ है जो यूरोप में भी देखने मिलती है कि साइकिल्स में ये ऑप्शन भी है कि साइकिल्स के साथ ये ट्रेलर अटैच्ड होता है, तो आप साइकिल चलाएंगे और बच्चे को आपके साथ, बाकी सब साइकिल रहेगी पर उसका फ्रंट व्हील की जगह वो आपकी साइकिल से अटैच्ड होगा। तो ही और शी पैडल्स तो आपको उसका फोर्स मिलेगा, बट बेस कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा और ये पीछे ट्रेन की तरह आपके साथ साथ चलेगा। This is the visitor center here, which is closed presently, and there are merchandise which you can order and take, and this is pretty much like a marketplace, like a amusement park they have made everything. Yeah, easy accessible is one thing, and everything is a merchandise, a standard thing, something or visitor center और इन्फॉर्मेशन सेंटर है। साथ में उन्होंने, जैसे हमारा दिल्ली में एक इंडियन विलेज म्यूज़ियम है, वैसा ही एक विलेज ट्रेल बना दिया है, विच
एक्चुअली बेसिकली डेमोन्स्ट्रेट कि यहाँ के जो आदिवासी थे देवर इंडियन अहवनीज, सो इंडियन विलेज ऑफ अहवनीज जो था वो कैसा दिखता था और उसमें उनके घर कैसे होते थे और उनका लाइफ का क्या स्पैन और क्या तरीका था, हट्स कैसे बनाते थे, वो सब डिस्प्ले कर रहे हैं. बट वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वी विल मूव आउट ऑफ दिस प्लेस. वी हैव अ ब्रॉड आइडिया, देखने से समझ में आ रहा है कि हाँ लकड़ी का घर बनाया है. सम बेसिक फैसिलिटीज दे माइट बी शोइंग. इस डिस्प्ले बोर्ड पे बहुत अच्छे से दिखाया है, 1900 का एक फ़ोटो है, ये यहाँ का एक स्कूल का फ़ोटो है और बताते हैं कि अवनी लोग यहाँ पे, इंडियन अवनी लोग 4000 साल से रह रहे थे. और इसकी बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग योसेमिति का एक म्यूज़ियम है और उस म्यूज़ियम अभी कोविड के कारण क्लोज्ड है, पर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि ये ट्री की लाइफ के बारे में बता रहे हैं. और ये जो ट्री होते हैं इनको कहते हैं सुखोया, सुखोयन ड्रॉन जायजेंटियम, जायंटियम है ना. सो इस पेड़ में ये दिखा रहे हैं कि सब इसकी फर्स्ट इनर लेयर, मतलब इसके एजिंग की प्रोसेस दिखा रहे हैं. तो ये 1923 से बढ़ते बढ़ते ये 1919 में ये पेड़ गिरा था और तब का ये उसका एक पार्ट है जो 8 फुट ऊपर से कट किया गया. तो अच्छा है फॉर अस फॉर इंफॉर्मेशन, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर क्लोज, सो वी आर जस्ट हेडिंग बैक टू द नेचुरल प्लेसेस टू सी व्हाट ऑल इज लेफ्ट एंड देन वी विल गो बैक. आर्ट फोटोग्राफ्स हैंडीक्राफ्ट सिंस 1902 एक शॉप है जो दी एंसल एडम्स गैलरी, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं बुक्स, फोटोग्राफ्स और पुराने से पुराना फोटोग्राफ्स इनके पास है अबाउट योसेमिति. एक और ये गाइडेंस सेंटर टाइप लग रहा है और वाइल्डनेस सेंटर है, और यहाँ पे आपको गाइड कर देंगे कि आपको क्या आगे करना है. पोस्ट ऑफिस है और कुछ और रेस्टोरेंट्स हैं. अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं सुखोया ट्री के एक जगह हमें बताया है गाइड्स ने, इंफॉर्मेशन सेंटर ने, तो हम वहाँ जाने की कोशिश में हैं अब आगे. बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सारे नेशनल पार्क्स में ब्रांडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो योसेमिति का ये मर्चेंडाइजेस यहाँ पे बेच रहे हैं, टी शर्ट्स है, कप्स है, तो दैट इज़ काउंटेड वेरी इंपॉर्टेंट इन US. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दीज मैग्नेट्स. सो फ्रिज मैग्नेट्स इज़ ऑल्सो अलॉट इन फैशन एंड एवरीवेयर यू कैन फाइंड, वेर एवर यू गो यू विल फाइंड फ्रिज मैग्नेट्स ऑफ दैट प्लेस. और रकून देखने के लिए हर्षा आ गई है. देख रहे हैं जैसे किसी भी स्टोर में बाहर निकलते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो रख देते हैं जो हर कोई ज़रूर लेगा. तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती हैं किसी भी कैंपिंग की, एक है मार्शमेलो और दूसरी है फायरवुड, और तीसरी चीज़ होती है ट्रेल मिक्सचर विच वी आर कैरी, बट वो यहाँ पे लोग बहुत खरीदते हैं. तो ट्रेल्स के दौरान बीच में एनर्जी के लिए वो लोग सॉल्ट एंड स्वीट मिक्स, चॉकलेट वाला और मूँगफली वाला एक पैकेट लेके चलते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेल मिक्सचर. एंड ये सब इम्पॉर्टेंट होता है एक ट्रैकिंग, एक कैंपिंग ट्रिप में. वाओ, नेक्स्ट टू माइस द टनल ही टनल है. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम सुखोई ट्रीज व्हिच आर फेमस फॉर देयर जायंटनेस. सो लेट्स सी व्हाट वी गेट ओवर देयर. वी आर अराउंड 10 माइल्स अवे फ्रॉम that area where we will get those sukhoi trees. Sneham is excited about them. Are you excited? Yes, I'm excited. Okay. Again a tunnel. Whoa. Tunnel is coming. Wow. Soham, wow. Soham khane busy. Soham is busy eating.
plan. He wanted you to see this. This is the way they carry their luggage when the car is full of people. Although this is a big SUV, still they are carrying. And this is the trail which will take us to Sequoia trees. Place which is Tuolo mean groove tailhead, and here we will see the giant dead giant sequoia trees where there is a tunnel built. We will proceed to this trail. This would be about 1.5 mile, and Sneham wants a stick to walk because everyone is holding. Although the path is paved, no need of any stick or something. We have spotted a deer and we are at our destination. Deer is here to welcome us. And as we will go cross, getting cautious, may run. Sequoia tree, हम पहुंच गए हैं और वास्तव में giant. We could have never imagined a tree of this structure. Yeah, if Sneham will go, then probably we'll get a hint of the proportions. Mama. Now you can have the view how big, huge trees these are. These are sequoia trees. And we are here just to see them. So let's see. This trail has one sequoia tree which is like a tunnel. So we are searching for it. For that we have come over here. And we were expected to go back. But we just searched one photograph in Google. And we wanted to see it. So this was the nearest spot we could trace. And here we are. This is the tunnel. Sneham looks very excited. She wanted to see this. This is the tree. This is an old tree, now half broken. But yes, it still stands strong. Wonderland. इस जायंट ट्री के ऊपर लोगों ने नाम इंग्रेव कर दिया है, और यहाँ पे सारे ट्रीज देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कभी वाइल्ड फायर, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर जो है वो लगी होगी. जो मोस्ट ऑफ़ द पेड़ हमें दिखे हैं पुराने, वो जले हुए थे. तो पता नहीं कैसे इन्होंने उस आग को बुझाया होगा, बट इसका जो गेट है जिसके अंदर है से हम गुज़र सकते हैं, वो जायंट ट्री का, तो वो ऑलमोस्ट 12 फीट का ये गेट है. और उसकी पैन इमेज आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी. बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसको समझना कि इस ट्री की टोटल विड्थ अराउंड 15 मीटर के आसपास है, और उसमें जो ये पैसेज बना है ये खुद ही करीब 5 मीटर के आसपास का पैसेज है. एक छोटी बस इसमें से निकल जाए, इतना बड़ा ये ट्री है. जैसा हम बुक्स में पढ़ते थे और वंडरलैंड की बुक्स में जैसा दिखाते हैं कि इतना बड़ा ट्री उसके अंदर से लोग निकलते थे, बिल्कुल वही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं. बिल्कुल ही अद्भुत, अनबिलीवेबल नज़ारा है ये, इतना बड़ा ट्री देखना. और उसी का एक लिविंग ट्री भी हम यहाँ देख पा रहे हैं,
जो उतना एज नहीं है, बट फिर भी इसका डायामीटर भी अराउंड 5 to 6 meters है। विथ टाइम प्रकृति के साथ धीरे धीरे ये भी बड़ा होगा और वाइल्ड फायर जैसे इवेंट्स हिस्ट्री वाइप ऑफ कर देते हैं। तो अभी तो ये पेड़ स्टैंड कर रहा है और लिविंग है, इसका इंटरनल कुछ पार्ट जल गया है और फिर से इसने शायद हील करके आगे बढ़ा है। बट दीज ट्रीज आर वेरी परफेक्टली नेम्ड जायंट ट्रीज। वी हैव अ ग्रेट अपहिल, वी विल मूव बैक। सो हम घूमने में मजा आई, क्लीन 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 ऑरेंज, ही वांट्स क्लीन ऑरेंज। ओके टिक टिक, ओके टिक। दिस इज वन मोर सिक्वोया ट्री, यू लाइक देम? यस। आर दे बिग? यस, ह्यूज ह्यूज। ओके, वी कुड सी वन मोर लाइव ट्री हियर एंड दिस आल्सो एट द बॉटम इज अबाउट 7, I guess 10 meters or so. So these are all going to be part of history with time. So nature is one which lives, everything else dies. Bidding goodbye to Yosemite. It was a really good trip, especially with those huge giant trees. Those giant trees which are called as sequoia. During this whole trip we were learning to pronounce it correctly, both Yosemite and sequoia, because their spellings are little different from what they actually pronounce it. So yes, it was a really good trip. And here Vikas is polishing his skills by driving in these curvy roads, and currently it is evening and we are bidding goodbye to Yosemite. On our way we found one storage. It looks like a warehouse, and you can see the gate they have made out of huge logs. The sun is still there, but it is around 7:45 p.m. right now. Okay. Really scenic and beautiful. The sun is about to set. I'm driving for quite long
like a success story or what to say. So हमने road ऐसी ढूंढ लिया है अमेरिका में जो कि काफ़ी patchwork हुआ है, शायद under repair है, but थोड़ी ख़राब road है. तो उसका भी एक मज़ा आ रहा है कि ख़राब road है. और दो तीन छोटी मोटी चीज़ें जो बहुत ही मज़ेदार हैं, जो मैं वहाँ पर ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूँ इंडिया में, बट फिर भी ये क्रूज़ कंट्रोल एक अच्छा फैसिलिटी है जिसमें वी सेट थ्रू दिस लाइक अ जॉयस्टिक वी सेट द स्पीड and that speed is maintained by the vehicle automatically. And two, three more interesting features here were the traction control system. So as I was driving in the hilly terrain, I just started the traction control, which helped me a lot to maintain in the lane and not to do any missing in the lanes and maintain the traction. The second thing is a blind spot detector. So if someone is coming at the blind spot, which is not visible in my side view mirrors, then the system will give us a supersonic sensor probe and give us a alarm. And one more great thing was the lane manager. So this is showing green that I am doing good on my lanes. So if I miss lanes, first is that the roads themselves have been scarred to make you some sound that you are missing the lane. And the second thing is the vehicle also has a system to alert you if you are missing on the lane, if you are going on the sides of the lane. So all this is fun altogether. The best part is to see the sun rise, and now on sunset we see all color dramas and panoramic views. It's a very good drive till now.